नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उज्जैन के खाचरोद में शौर्य संचलन में गर्जे संत, राम मंदिर के भव्य लोकार्पण में सभी हो सम्मिलित। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को भव्य मंदिर का लोकार्पण होने वाला है और इस लोकार्पण कार्यक्रम में समग्र हिंदू समाज सम्मिलित हो, ऐसा प्रयास हमें अभी से करना है। ये बात खाचरोद में बजरंग दल शौर्य संचलन में संत श्री तोताराम जी महाराज ने कही। कार्यक्रम में प्रांत गौरक्षा प्रमुख जगदीश धाकड़ ने संबोधित करते हुए बताया, क्या आने वाले जन समय में भगवान श्री राम के जन्म स्थली पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ लोकार्पण होने जा रहा है और हम सभी इस लोकार्पण कार्यक्रम में तन मन से जुड़े और मेरा गांव मेरी अयोध्या इस नाते से अपने गांव में कार्यक्रम करते हुए दीपावली मनाई और अपने गांव को सजाए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होने जा रहे भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड खाचरोद द्वारा भव्य शौर्य पथ संचलन निकाला गया, जो सुनहरा बाग से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्ग को होते हुए प्रारंभ स्थल पर समाप्त हुआ। इस संचालन में नागदा भाटपचलाना तथा ग्रामीण क्षेत्र के भी कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। संचलन के प्रारंभ में भारत माता तथा श्री राम जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राम स्नेही संप्रदाय के संत श्री 108 तोताराम जी महाराज तथा प्रांत गोरक्षा प्रमुख उन्हेल के जगदीश जी धाकड़ का ओजस्वी उद्बोधन हुआ। इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री मोहन सिंह राठौर, बजरंग दल जिला संयोजक विशाल सिंह, जिला मंत्री जितेंद्र पांचाल, जिला सहमंत्री समरथ सेन, जिला अध्यक्ष ओजस सोलंकी आदि समस्त हिंदू समाज उपस्थित रहा। खाचरौद से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। हम ये चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जय जय श्री राम। और जिस राम मंदिर का भव्य